बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर 5 की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इसका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। मेन इसका पहला प्रोसीजर है, इसको आप अच्छे तरीके से समझें, इसके पॉइंट्स को अपने माइंड्स में रखें और सारे क्वेश्चन आप फिर इजी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले है डिफाइन इक्वेशन एंड इन इक्वेशन, डिफरेंशिएट बिटवीन दैम। ठीक है, हमने इक्वेशन और इन इक्वेलिटी के दरमियान फ़र्क देखना है कि इनके दरमियान डिफरेंस क्या होता है, किस एक्सप्रेशन को हम इक्वेशन कहते हैं और किसको हम इन इक्वेलिटी कहते हैं। तो अगर दो एक्सप्रेशन के दरमियान अगर आप ये इक्वेलिटी का सिंबल यूज़ करें तो उससे जो शेप बनेगी, जो फॉर्म बनेगी, उसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। इसकी मैंने आपके सामने एग्जाम्पल दी हैं, एक्स इज इक्वल टू 5, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3, साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो जितने भी यहाँ पे एक्सप्रेशन मैंने यूज़ किए हैं उनके दरमियान मैंने इक्वलिटी का साइन सिंबल यूज़ किया है, तो ये जो शेप बन रही है इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। इसके बाद अगर एक्सप्रेशन के दरमियान आप इक्वलिटी का सिंबल यूज़ करें, इक्वलिटी के सिंबल जैसा कि ग्रेटर देन, लेस आर इक्वल, ग्रेटर आर इक्वल, अगर ये वाले सिंबल यूज होंगे इक्वेशन एक्सप्रेशन के दरमियान तो उससे जो फॉर्म आपको मिलेगी उसको हम क्या कहते हैं, इन इक्वलिटी कहते हैं। लाइक एक्स ग्रेटर देन 5 एंड एक्स माइनस वाई लेस आर इक्वल 5। एक और चीज़ के इक्वेशन में यहाँ पे सिंगल वेरिएबल यूज हो रहा है और यहाँ पे देखें तो इस इक्वेशन में डबल वेरिएबल यूज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको अपने माइंड्स में रखें, ये आपको हेल्प करेंगे आगे के जो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के, जो अब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर, अ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। ये फ़र्क यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि लाइन क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है और इन इक्वलिटी क्या होती है। अ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन वेयर एज अ लीनियर इनइक्वलिटी रिप्रेजेंट रीजन ऑन आदर साइड्स ऑफ द लाइन। कि स्ट्रेट इक्वेशन जो होती है, लीनियर इक्वेशन जो होती है, उसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इनइक्वलिटी जो है, लीनियर इनइक्वलिटी जो है, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, रीजन ऑन अदर साइड्स ऑफ द लाइन, लाइन के साथ साथ उसका रीजन रिप्रेजेंट करेगी। जैसे कि अगर मैं इसका ग्राफ बना दूं, ठीक है, तो ये हमारे पास कोई एक इक्वेशन थी तो उसका ग्राफ अगर लीनियर इक्वेशन है तो उसकी स्ट्रेट लाइन बनेगी या हॉरिजॉन्टल बनेगी या वर्टिकल बनेगी या कोई स्लांट लाइन बनेगी। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक इक्वेशन थी जिसका ग्राफ कुछ ऐसे बना, तो ये किसका ग्राफ है, ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है। ठीक है, तो एक क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। ठीक है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बन गई। अगर मैं इनइक्वलिटी की बात करूं, मेरे पास लीनियर इनइक्वलिटी थी तो उसका ग्राफ ऐसे बन सकता है, तो उसमें जो रीजन आएगा वो साथ साथ ये लाइन भी शामिल हो सकती है, यानी ये वाला बाउंड्री वाला हिस्सा भी शामिल हो सकता है और इसका कोई ना कोई रीजन शामिल होगा, लेफ्ट या राइट। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है, इफ इनइक्वलिटी इन्वॉल्व ग्रेटर आर इक्वल आर लेस आर इक्वल, रीजन विल बी क्लोज हाफ प्लेन बाउंडेड बाय सॉलिड लाइन। मीन्स कि अगर आपके पास इनइक्वलिटी ऐसी है जिसमें ये वाले सिंबल यूज हो रहे हैं, ग्रेटर आर इक्वल या लेस आर इक्वल, तो उसमें किस तरह का रीजन होगा। मैंने आपको बताया है कि लीनियर इनइक्वलिटी का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो उसमें लाइन का एक पूरा रीजन आता है, तो रीजन विल बी क्लोज हाफ प्लेन। ठीक है, क्लोज हाफ प्लेन बाय सॉलिड लाइन, यानी जो हम ग्राफ बनाएंगे उसकी जो लाइन बनेगी उसको हम क्या करेंगे, सॉलिड लाइन बनाएंगे। ठीक है, और उसके साथ उसका लेफ्ट या राइट वाला हिस्सा शामिल हो जाएगा। वेयर एज इफ इनइक्वलिटी इन्वॉल्व ग्रेटर देन और लेस देन, यानी अगर इनइक्वलिटी में जस्ट लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल अगर हम यूज कर रहे हैं तो रीजन विल बी ओपन हाफ प्लेन बाउंडेड बाय डॉटेड लाइन। तो फिर हम ये वाली जो पहली लाइन बनाएंगे इसको क्या बनाएंगे, सॉलिड नहीं बनाएंगे, डॉटेड बनाएंगे। मीन्स के अगर इस तरह की इनइक्वलिटी है तो उसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो, इसकी जो लाइन बनेगी पहली, वो डॉटेड लाइन बनेगी। और अगर ये वाले सिंबल ग्रेटर आर इक्वल या लेस आर इक्वल, मीन्स एक्स माइनस वाई लेस आर इक्वल वाई, ये एक ऐसी इनइक्वलिटी है जिसमें ग्रेटर देन आर इक्वल या लेस आर इक्वल का सिंबल यूज हो रहा है, तो इसके इसका जो ग्राफ बनेगा उसकी लाइन हम क्या बनाएंगे, सॉलिड लाइन बनाएंगे, डॉटेड लाइन नहीं बनाएंगे। इसके बाद हम बस अपने पॉइंट 3 की तरफ मूव करेंगे। तो पॉइंट 3 है एसोसिएटेड या कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। क्या है, एसोसिएटेड या कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। इफ इन अ वेरिएबल इन्वॉल्व इनइक्वलिटी द सिंबल ऑफ इनइक्वलिटी
लेस आर इक्वल ग्रेटर आर इक्वल लेस देन ग्रेटर देन इज रिप्लेस्ड बाय द सिंबल ऑफ इक्विलिटी देन इट बिकम द एसोसिएटेड या कोरस्पोंडिंग इक्वेशन ऑफ द इनइक्वलिटी। सादा अल्फाज में कि अगर आपके पास एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसके वेरिएबल के दरमियान लेस आर इक्वल ग्रेटर आर इक्वल लेस देन या ग्रेटर देन ये वाले सिंबल यूज हो रहे हैं और इन सिंबल्स को आप सिंपली किस में कन्वर्ट कर दें, इक्वलिटी के सिंबल में चेंज कर दें, तो आपको जो नया एक्सप्रेशन मिलेगा उसको हम क्या कहते हैं, एसोसिएटेड या करस्पॉन्डिंग इक्वेशन कहते हैं। इसके बाद पॉइंट फोर है, ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई इज कॉल्ड सोल्यूशन If it satisfy the equation या inequality, ordered pair जो होते हैं ये क्या कहलाएंगे, solution कहलाएगा किसी भी equation या inequality का, then there will be infinite number of ordered pair which will satisfy the equation या inequality। कोई भी equation है या inequality है उसके infinite number of solution हो सकते हैं in ordered pair। For example, मैं यहां पर एक example दे रहा हूं, x is equal to 3, ये एक equation है, इसका अगर हम डायरेक्ट सॉल्यूशन देखें नंबर्स में तो एक ही है, थ्री है, लेकिन अगर हम ऑर्डर्ड पेयर में बात करें तो इस इक्वेशन x is equal to 3 के इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। ऑर्डर्ड पेयर में इस इक्वेशन के इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। मैं अगर यहां पे लिख दूं 3,0 तो ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है। इसी तरह और इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। उसके बाद पॉइंट फाइव है, अ रीजन हुज ऑल पॉइंट्स satisfy the involved inequality is called a solution region. A region whose all points satisfy the involved inequality is called a solution. क्या मतलब कि हमारा जो region आ रहा होगा graph में, उस region में से कोई भी वो वाले point जो उस inequality को satisfy करें वो उसका क्या कहलाएंगे, solution region कहलाएंगे। ये जब मैं question करूँगा तो ये point आपको वहाँ पर clear करूँगा। उसके बाद last point है, A point of a solution region where two of its boundary lines intersect is called a corner point or vertex of solution region. क्या है कि आपके ग्राफ में जो सॉल्यूशन रीजन वाला होगा वहां पे दो लाइन जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहलाएगा, कॉर्नर पॉइंट कहलाएगा या सॉल्यूशन वर्टेक्स कहलाएगा। तो मेन प्रोसीजर जो है क्वेश्चंस का वो क्या है, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो इनइक्वलिटी दी गई हो आपने उनकी एसोसिएटेड या कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनानी है। तो कैसे बनानी है, कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन या उसको कहें एसोसिएटेड इक्वेशन, आपने जस्ट इनइक्वलिटी के सिंबल को हटा के वहां पे इक्वलिटी का सिंबल यूज करना है, मींस बराबर का आपने सिंबल यूज करना है, तो आपको जो नई इक्वेशन नया एक्सप्रेशन मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे, इक्वेशन एसोसिएटेड इक्वेशन कहेंगे। पहली जो इक्वेशन होगी उसको हम इनइक्वलिटी आप द इक्वेशन कहते हैं, और जो नई यानी लेस देन आर इक्वल या ग्रेटर देन आर इक्वल या लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल है उसको आपको हटा के आपने इक्वल का साइन लगा दिया है तो जो नई इक्वेशन मिलेगी उसको हम क्या कहते हैं, एसोसिएटेड या कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन कहते हैं। उसके बाद आपने उस इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करना है, क्योंकि लीनियर इनइक्वलिटी से जो आपको एसोसिएटेड इक्वेशन मिलेगी वो लीनियर इक्वेशन होगी, और लीनियर इक्वेशन से जो ग्राफ बनता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। अब स्ट्रेट लाइन ड्रा करने के लिए एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको टू पॉइंट्स इनफ हैं, ठीक है, टू पॉइंट्स इनफ हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रा करने के लिए। वो दो पॉइंट आपको कैसे मिलेंगे, तो वो दो पॉइंट आपको मिलेंगे आप उसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालें। एक्स इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है कि आपका ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस पे कहां पे कट कर रहा है। उसके बाद वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे, वाई इंटरसेप्ट का क्या मतलब है कि जहां पे वाई एक्सिस पे ग्राफ कहां पे कट कर रहा है। आपने एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालना होगा, आप वाई को जीरो कर दें तो एक्स की जो वैल्यू होगी वो एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगी। वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे, आप एक्स को जीरो कर देंगे तो उसके कोरिस्पॉन्ड आपको जो वाई की वैल्यू मिलेगी वो क्या कहलाएगी, वाई इंटरसेप्ट हो गया। तो दो ऑर्डर पेयर मिल जाएंगे, आप उनको एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप शो कर देंगे, उनको आपस में मिला देंगे तो आपको लाइन मिल जाएगी, स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी लीनियर इक्वेशन की। उसके बाद आपने क्योंकि यहां पे हमने इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन बताना है तो एक पूरा रीजन बताना होगा, तो उस लाइन के एक साइड का हिस्सा आ सकता है, अब उस लाइन वाला हिस्सा भी शामिल हो सकता है, वो बताऊंगा कैसे बताना होगा।
और उसके बाद एक लाइन का पूरा साइड आएगा, लेफ्ट या राइट, अप या डाउन, उनमें से कोई एक हिस्सा आएगा, तो वो कैसे आपने मालूम करना है? तो उसके लिए हम यूज करते हैं ओरिजिन टेस्ट। ओरिजिन टेस्ट क्या होगा कि आपने जब ग्राफ ड्रा कर लिया होगा तो उस लाइन के किसी एक साइड का, ठीक है, उस लाइन के किसी एक साइड का आप पॉइंट उस इनइक्वलिटी में पुट करें, ओरिजिनल इनइक्वलिटी में पुट करें, तो वहां पे अगर पुट करने से आपका रिजल्ट ट्रू आ रहा है, मतलब वो पॉइंट आपकी इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसी की जानिब उसकी शेडिंग होगी। अगर फॉल्स आ रहा है तो उसके अपोजिट। ये मैं क्वेश्चन करता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट। तो क्वेश्चन नंबर वन है, ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इनइक्वलिटी। यानी हमें एक इनइक्वलिटी दी गई है, इसका हमने क्या बताना है, सॉल्यूशन बताना है, और सॉल्यूशन को कैसे शो करना है, बाय ग्राफ, ठीक है, शेडिंग कर देनी हमें। तो इनइक्वलिटी है 2x प्लस y लेस आर इक्वल 6। तो पहला प्रोसेस क्या बताया है, फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपने उसकी एसोसिएटेड या कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन मालूम करनी है। कैसे मालूम होगी वो, जस्ट आप इनइक्वलिटी का सिंबल हटा के वहां पे इक्वलिटी का सिंबल यूज कर दें तो जो इक्वेशन मिलेगी वो उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन कहलाएगी। तो मैंने जस्ट ये जो इनइक्वलिटी का सिंबल था लेस आर इक्वल, उसकी जगह मैंने इक्वल का सिंबल यूज कर दिया। तो ये आप जो इक्वेशन आपको मिल गई है ये एसोसिएटेड इक्वेशन कहलाएगी। अब हमने क्या करना है, 2x plus y is equal to 6 एक लीनियर इक्वेशन मिली है। अब लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ ड्रा करने के लिए लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। स्ट्रेट लाइन के ग्राफ के लिए आपको दो पॉइंट इनफ होते हैं, और वो दो पॉइंट आप कहां से मालूम करेंगे, उसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट मालूम करेंगे। अभी आपको बताया है कि एक्स इंटरसेप्ट आप कैसे मालूम करेंगे, वाई को जीरो कर देंगे एक्स की वैल्यू आ जाएगी, फिर आप वाई को जीरो कर देंगे एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और फिर आप एक्स को जीरो करेंगे और वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो ये वाई इंटरसेप्ट और ये एक्स इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट में क्या होगा, एक्स जीरो होगा, एक्स यहां पे जीरो रखें तो वाई किसके इक्वल आ रहा है, वाई इज इक्वल टू 2 आ रहा है, ठीक है। और इसी तरह जब आप वाई को जीरो करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को आप ड्रा करें अपने इसमें ग्राफ में जाके, ये पॉइंट ड्रा करें तो आपको कौन से पॉइंट मिल रहे हैं, यानी एक्स को जीरो रखने से आपको जो पॉइंट मिला है वाई इज इक्वल टू 6, एक्स को वाई इज इक्वल टू 6, और इसी तरह वाई को जीरो रखने से एक्स की वैल्यू जीरो आई है, और वाई को जीरो रखने से एक्स की वैल्यू क्या आई है, 3 आई है, ठीक है। तो आपको पहला पॉइंट कौन सा मिला, एक पॉइंट आपको मिला एक्स जीरो रखा तो वाई की वैल्यू मिली 3, और जब एक्स को यहां पे क्या आएगा 0, 3, यानी एक्स को जीरो रखा है तो वाई की वैल्यू आई है 6, और जब हम वाई को जीरो करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 3, ठीक है। एक्स को जीरो रखा है तो वाई की वैल्यू 6 मिली है, और जब वाई को जीरो रखा है तो एक्स की वैल्यू 3 आई है। दे ये दो पेयर मिल गए हमें, अर्डर पेयर मिल गए हैं, इनको जाके ग्राफ में ड्रा करें, ठीक है। तो यहां पे इनको ड्रा करें नहीं, क्या पॉइंट्स आएंगे, कट करना जी। तो हम बात कर रहे थे इनइक्वलिटी को, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनइक्वलिटी को कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन में हमें कैसे कन्वर्ट करना होगा, जस्ट इनइक्वलिटी का सिंबल हटा के वहां पे इक्वलिटी का सिंबल यूज करेंगे तो जो नई इक्वेशन हमें मिलेगी उसको हम क्या कहते हैं, कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन या एसोसिएटेड इक्वेशन कहते हैं। तो जस्ट मैंने क्या किया है, ये इनइक्वलिटी का सिंबल हटा के जहां पे इक्वल का सिंबल यूज किया है, क्या क्या है, इक्वल का सिंबल यूज किया है, तो जो मुझे नई इक्वेशन मिलेगी उसको हम क्या कहेंगे, मसला ही गलत होना, 3x माइनस 2y, पहले किसे ग्रेटर आर इक्वल है, नहीं वो बात भी जुकाट कर रहे ऐसा, अच्छा जी जी। तो अब हम जी तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो उम्मीद है इन पॉइंट्स की आपको समझ आई होगी, अगर ये पॉइंट्स क्लियर हैं तो
एक्सरसाइज करने में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। तो क्वेश्चन नंबर वन है, ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी। हमने एक लीनियर इनइक्वालिटी दी गई होगी, उसका सॉल्यूशन बताना है बाय ग्राफिकल मेथड, मींस कि हमने शेडिंग करके बतानी होगी, रीजन बताना होगा। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी क्या दी गई है, 3x-2y ≤ 6। ठीक है, तो क्या तरीका बताया है, क्या प्रोसीजर बताया है, सबसे पहले आपने क्या करना होता है, एसोसिएटेड या कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन मालूम करनी होती है। तो वहां से आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो एक लीनियर इक्वेशन मिलेगी। लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मालूम करने के लिए आपके पास दो पॉइंट्स अगर लग जाएं, दो पॉइंट्स मिल जाएं, तो वो इनफ होते हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मालूम करने के लिए। तो सबसे पहले हम इनइक्वालिटी से एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। तो मैंने क्या किया है, इनइक्वालिटी का साइन हटा, सिंबल हटा के इक्वालिटी का सिंबल यूज किया है। तो अब जो नई इक्वेशन मिली है इसको हम क्या कहेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन कहलाएंगे। ठीक है, तो ये एसोसिएटेड इक्वेशन जो है ये एक लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल। तो यहां से हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, उस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाने के लिए मुझे दो ऑर्डर्ड पेयर चाहिए। ठीक है, दो ऑर्डर्ड पेयर इनफ होते हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मालूम करने के लिए। तो वो कैसे मालूम करेंगे, हम इसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे। एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, ग्राफ का वो वाला पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे कट करेगा, तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगा। वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, जहां पे ग्राफ का वो वाला पॉइंट जो y एक्सिस पे जाके कट करेगा, तो वो y इंटरसेप्ट कहलाएगा। मालूम कैसे करेंगे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए आप y को जीरो कर दें तो जो वैल्यू मिलेगी वो x इंटरसेप्ट कहलाएगी, और y इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए आप x को जीरो कर देंगे तो y की जो वैल्यू मिलेगी वो y इंटरसेप्ट कहलाएगा। तो ये y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट, सबसे पहले मैंने x को लिखा है जीरो, x इज इक्वल टू जीरो रखेंगे इक्वेशन में, तो वहां से y की वैल्यू मिलती है -3, तो y की वैल्यू आ गई -3। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, x इंटरसेप्ट कहलाएगा। सॉरी, y को जीरो रखा है तो x की वैल्यू -3 की इक्वल आ गई। इसके बाद हम y इंटरसेप्ट निकालना है, तो y इंटरसेप्ट के लिए आप x को जीरो करेंगे, x को जीरो करेंगे तो y की वैल्यू -3 आती है, तो ये y इंटरसेप्ट आ गया। तो दो पॉइंट्स आपको मिल गए, 2, 0 और 0, -3, ये दो पॉइंट्स हैं, इनकी मदद से हम इस इक्वेशन का ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ कैसे बनेगा जी, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करें, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो आप इन पॉइंट्स को ड्रा करें, 2, 0 यहाँ पे लाई करेगा, उसके बाद 0, -3 ये नीचे लाई करेगा। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से हमें ये एक स्ट्रेट लाइन मिल रही थी। अब इस स्ट्रेट लाइन की मदद से हमने इसका सॉल्यूशन रीजन बताना है। ठीक है, हमने इस असल में क्या करना था, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन बताना है बाय शेडिंग। ठीक है, अब शेडिंग इसकी किस तरह होगी, तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे बताया था कि आपने उसकी शेडिंग करेंगे तो हम उसके लिए एक ओरिजिन टेस्ट यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, तो इस ये वाली जो स्ट्रेट लाइन मिली है इससे इस साइड पे या इस साइड पे, किसी साइड से कोई एक पॉइंट आप ले लें, क्या करें, इससे कोई भी आप पॉइंट्स ले लें, सॉरी वो और तरीका है, यहाँ पे आप जस्ट क्या करें कि आप ओरिजिन टेस्ट यूज करें। ओरिजिन टेस्ट मतलब 0, 0। अब ये वाला पॉइंट जो है इसको आप यानी 0, 0 को ओरिजिनल इक्वेशन में जाके पुट करें इनइक्वालिटी में, अगर ओरिजिन टेस्ट का आंसर उसको क्या करे, ट्रू करे इनइक्वालिटी को, तो ओरिजिन की तरफ उसकी शेडिंग होगी। लेकिन अगर टेस्ट फेल होता है तो उस ओरिजिन टेस्ट यानी जहां पे ओरिजिन है उसके अपोजिट साइड पे उसकी शेडिंग होगी। अब यहां पे देखें, ओरिजिन जो है ये लाइन के इस साइड पे आ रहा है, अगर यहां पे 0, 0 वहां पे लगाने से इनइक्वालिटी ट्रू हो जाए तो हमारी लाइन की शेडिंग इसी साइड पे होगी। लेकिन अगर ये पॉइंट पुट करने से आंसर फॉल्स आ जाए, मतलब डिफरेंट आंसर आए, इनइक्वालिटी सेटिस्फाई ना हो, तो फिर इस ओरिजिन के अपोजिट साइड पे शेडिंग होगी, मतलब लाइन की दूसरी तरफ से शेडिंग होगी। तो ओरिजिन टेस्ट 0, 0 इसमें जाके पुट करें, तो यहाँ पे 0 रखें, यहाँ पे 0 रखें, तो 3 × 0 − 2 × 0 > 6, तो आंसर आ रहा है 0 > 6। अब 0 6 से ग्रेटर होता है या लेस होता है, तो लेस होता है, मींस के आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, मींस के ओरिजिन टेस्ट क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। अगर यहाँ पे आंसर ट्रू आ जाता तो लाइन की ओरिजिन की तरफ शेडिंग होती,
लेकिन इसका आंसर फॉल्स आ गया है तो फिर ओरिजिन की अपोजिट साइड पे इसकी शेडिंग होगी। तो ये लाइन की अपोजिट साइड पे मैंने क्या कर दिए, शेडिंग कर दी है। तो यही रीजन बताना था इस इनइक्वलिटी का। अब यहाँ पे मैंने शुरू में बताया था कि अगर लेस आर इक्वल का सिंबल यूज है तो उसके लिए हम डॉटेड लाइन यूज सॉलिड लाइन यूज करेंगे ग्राफ में, इनइक्वलिटी के ग्राफ में। लेकिन अगर लेस देन आर इक्वल का सिंबल होगा जस्ट तो हम डॉटेड लाइन यूज करेंगे। तो इसमें लेस आर इक्वल इक्वलिटी का साइन भी साथ है तो इसके लिए हम सॉलिड लाइन यूज करेंगे। मीन्स के अब इसका जो सोल्यूशन है इसमें ये बाउंड्री लाइन वाला हिस्सा भी शामिल है और इसके ये वाला जो हिस्सा है ये सारा रीजन जो है ये भी इसके सोल्यूशन में शामिल है। ठीक है जी, आज का लेक्चर जहां तक था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे।